अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए बहुत जबरदस्त काम लेके आया हूँ, ठीक है, जिसे मोस्टली लड़कियां यानी कि जो घर पे बैठी हैं, ठीक है, ऑनलाइन टीचिंग करना चाहती हैं, क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन की वजह से मोस्टली प्राइवेट स्कूल जो है बंद है, तो ऑनलाइन काम करने का जो इस टाइम ट्रेंड है सबसे ज्यादा चल रहा है ऑनलाइन टीचिंग का। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ एक वेबसाइट शेयर करूंगा जहां से बहुत अच्छी अर्निंग जो है पाकिस्तानी लड़कियां ऑलरेडी भी कर रही हैं, ठीक है, उन्होंने अपनी यूट्यूब पे वीडियोज भी एड की है। तो आपको मैं आज कंप्लीट उस वेबसाइट के बारे में बताऊंगा कि आपने उस वेबसाइट पे कैसे ज्वाइन होना है, ठीक है, किस तरह अपनी प्रोफाइल को सेट करना है और वहां से किस तरह आपने स्टूडेंट्स को लेके लाइव, तो ऑनलाइन अर्निंग जो है आपने वहां से कैसे करनी है, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, ठीक है, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये स्पेशली लड़कियों के लिए नहीं है, इससे लड़के भी कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं। मोस्टली मैं इसलिए ज्यादा लड़कियों को प्रेफर कर रहा हूं क्योंकि वो घर पे होती है, ठीक है, तो उनके पास हर टाइम होते हैं 24 आवर्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं, तो वो किसी भी टाइम यानी कि इस वेबसाइट को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस वेबसाइट के अंदर डिफरेंट टाइम्स होते हैं स्टूडेंट्स ने रखे हुए, तो इसलिए मोस्टली लड़के जो है वो जॉब करते होते हैं, तो इसलिए उनके पास टाइम को मैनेज करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। अगर वो टाइम को मैनेज कर सकते हैं तो भाई वो भी यहाँ पे अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ से ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। तो चलिए सिस्टम पे चलते हैं और जाके देखते हैं वो कौन सी वेबसाइट है, आपने वहां पे अपनी प्रोफाइल कैसे क्रिएट करनी है, वहां से पैसे कैसे कमाने हैं। तो ये वाली वेबसाइट है, ठीक है, फर्स्टली मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि किस तरह यहाँ पे प्रोफाइल बनती है और किस तरह आपको स्टूडेंट्स जो हैं वो मिलते हैं। सारे बेसिकली इस वेबसाइट का पर्पस क्या है वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि आपने यहाँ पे अपनी प्रोफाइल कैसे बनानी है और ख़ुद आपने अर्निंग जो है अपनी स्टार्ट कैसे करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे इंग्लिश टीचर है, स्पेनिश है, जर्मनी है और काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेज में है, अरबिक टीचर्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये देख सकते हैं आप उर्दू के टीचर्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर आप उर्दू के टीचर हैं तो आप यहाँ पे अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर हिंदी में भी अवेलेबल है और भी काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं, आप जिस भी लैंग्वेज में, ठीक है, एजुकेट कर सकते हैं, अपनी वो लैंग्वेज यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी वेबसाइट है और जितनी भी पेमेंट्स की ट्रांजैक्शन होती है, पेमेंट्स जो है स्टूडेंट से लेके वेबसाइट आपको खुद प्रोवाइड करती है जब आपकी प्रोफाइल जो है यहाँ पे कंफर्म हो जाती है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर फर्स्टली हम ओपन करते हैं यहाँ से उर्दू टीचर्स को, तो जब आपकी प्रोफाइल बन जाएगी तो इस तरह आपकी प्रोफाइल जो है यहाँ पे शो होती है और यहाँ पे देख सकते हैं 3 एक्टिव स्टूडेंट्स इस टाइम इस लड़की के पास 3 एक्टिव स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और ये जो चार्ज कर रही है ये $5 पर आवर चार्ज कर रही है, ठीक है। इसकी रेटिंग, ये सारी चीज़ें लाइक जिस तरह फाइवर है, अपवर्क है, ठीक है, जैसे आप वहाँ पे काम करते हैं बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे, ये देख सकते हैं ये पाकिस्तानी लड़कियाँ, ठीक है, और ये $18 ले रही है पर आवर्स, ठीक है। इसी तरह ये नादिया है, ठीक है, और इसकी रेटिंग 5 है, ठीक है, और इसके पास इस टाइम 9 स्टूडेंट एक्टिव हैं और ये इस टाइम $25 पर आवर ले रही है। तो बहुत अच्छी अच्छी लोग अर्निंग जो है यहाँ से कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स भी आते हैं, ठीक है, और टीचर्स भी आते हैं इस वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। स्टूडेंट्स खुद टीचर्स को भी हायर कर लेते हैं कि हमें ये वाले टीचर्स की प्रोफाइल देखते हैं और देन टीचर्स को सिलेक्ट करते हैं। तो आपका जो मेन काम होता है यहाँ पे, आपने अपनी प्रोफाइल को यहाँ पे वेल एंड गुड बनाना है, बहुत अच्छी प्रोफाइल और अट्रैक्टिव प्रोफाइल आपने यहाँ पर बनानी है ताकि जो भी स्टूडेंट आए वो आपको सिलेक्ट करें। तो अब प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, तो फर्स्टली हम वो चीज़ देखते हैं। प्रोफाइल बनाने के लिए सिंपल आपने यहाँ पे बिकम ए ट्यूटर पे क्लिक करना है, तो ये वाला इंटरफेस आपके सामने ओपन होता है। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, मैंने दे दिया। यहाँ पे लॉगिन करने के लिए आप इसे फेसबुक से भी लॉगिन कर सकते हैं, गूगल से भी कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो आप सिंपल यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस जो है उसे टाइप करें और यहाँ पे कोई भी अपना एक पासवर्ड जो है उसे सेट कर लें और साइन अप विद ईमेल कर दें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उसने फर्स्टली आपकी यहाँ पे जिस तरह हम CV बनाते हैं उसी तरह ये आपसे एक पूरी CV जो है आपसे डिटेल लेगा, पूरी CV की, ऑटोमेटिकली आपकी फिर एक प्रोफाइल वहाँ पे सेट हो जाएगी जिसकी बेस के ऊपर आपको स्टूडेंट्स जो है वो हायर करते हैं वहाँ पे। और ये मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे किस तरह आपने फिल करना है। सिंपल आपने फर्स्ट नेम यहाँ पे टाइप करना है अपना, ठीक है, यहाँ पे सेकंड नेम, यहाँ पे अपनी कंट्री को सिलेक्ट करें आप, यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज, अगर आप अदर लैंग्वेज करना चाहते हैं तो आप सिंपल यहाँ से उर्दू भी अगर करना चाहते हैं तो आप उर्दू में भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जितनी लैंग्वेजेस आपके पास हैं, ठीक है, वो सारी आप कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश किस लेवल की आप बोलते हैं, ठीक है, आप वो वाली सिलेक्ट कर लें, ठीक है, B1। उसके बाद उर्दू आप A1 सेलेक्ट कर लें। उसके बाद सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट में आप पढ़ाना चाहते हैं, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं जिस लैंग्वेज में आप पढ़ाना चाहते हैं। अगर आप उर्दू में, ठीक है, करना चाहते हैं लैंग्वेज तो आपकी उर्दू भी यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस
और वेब डेवलपमेंट, ठीक है, ईमेल मार्केटिंग, बहुत सारे इसमें ऑप्शंस हैं, ठीक है, आईटी प्रोजेक्ट्स, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ठीक है, बहुत काफ़ी ज़्यादा इसमें ऑप्शन है, ठीक है, जो आप देख सकते हो सारे ऑप्शन, ठीक है। तो मैं सिंपल अभी यहाँ पे उर्दू लैंग्वेज जो है उसे सिलेक्ट करता हूँ, तो उसका आवरली रेट जो है $5 है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस लैंग्वेज को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, उस लैंग्वेज की बेस के ऊपर यहाँ पे प्राइस जो है उसे सेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं वेब डेवलपमेंट करता हूँ तो यहाँ पे आप आवरली रेट जो है अपनी पसंद का भी दे सकते हो। उसके बाद अगर देखें यहाँ पे मैं इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करता हूँ तो उसका रेट जो है $8 है, ठीक है। तो मैं सिंपल यहाँ पे अभी वेब डेवलपमेंट जो है वो करता हूँ, तो वेब डेवलपमेंट जो है इसके मैं $10 जो है यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपने अपना फ़ोन नंबर जो है उसे टाइप करना है और आई एम कन्फर्म, ठीक है। और यहाँ पे इंग्लिश उसने कहा है जी यू मस्ट बी एबल स्पीक प्लेटफॉर्म टू B2+, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे आप A2 कर लो और सिंपल यहाँ से इसे हम नेक्स्ट कर देते हैं। तो ये नेक्स्ट स्टेप आ गया, यहाँ पे आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर जो है वो यहाँ पे सेट करनी है। तो यहाँ पे मैंने अपनी प्रोफाइल पिक्चर इस तरह सेट कर लिया, आप इसे जूम भी कर सकते हैं, रोटेट, ठीक है, क्रॉप, सारी ऑप्शन अवेलेबल है। सिंपल हम यहाँ से इसे नेक्स्ट करते हैं। तो ये थर्ड नंबर पे आता है, फिर आपका सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट कर लिया था वेब डेवलपमेंट। अब यहाँ पे तो यहाँ से आपसे वो सर्टिफिकेट मांग रहा है, तो यहाँ पे आप यस लिखोगे, यहाँ पे आप अपनी सारी डिस्क्रिप्शन जो है उसे ऐड करोगे, ठीक है, आप अपने सब्जेक्ट्स के रिलेटेड, ठीक है। और यहाँ पे हम कर देते हैं जी 2005 और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2019, गेट ए सर्टिफिकेट वेरिज। यहाँ पे आपने वो पिक्चर जो है अपने सर्टिफिकेट की उसे अपलोड करना है, और यहाँ पे अगर मज़ीद कोई आपके पास है सर्टिफिकेट तो आप वो सर्टिफिकेट भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं सिंपल कोई भी पिक्चर जो है यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, सिर्फ आपको दिखाने के लिए आप अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट की पिक्चर जो है यहाँ पे अपलोड करोगे, क्योंकि ये विदाउट अपलोडिंग ये काम नहीं करेगा नेक्स्ट। तो अगर आपके पास ये, मेरे पास सर्टिफिकेट था, मैंने यहाँ पे डिटेल ऐड कर दी है। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो आप सिंपल आई डोंट हैव एनी टीचिंग सर्टिफिकेट पे क्लिक करके भी इसे नेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद कहता है राइटिंग योर हेडलाइन इन इंग्लिश डिस्क्रिप्शन ऑफ टीचिंग, ठीक है। अगर कोई इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट्स अगर आपकी प्रोफाइल पे आता है तो यहाँ पे एक टैगलाइन कहता है कि आप मेंशन कर दें, ठीक है, जिसको देख के वो आपकी प्रोफाइल को जज करेगा कि यार इसको मैं ओपन करके देखूँ कि इसमें क्या चीज़ है। तो वो सिंपल सा एक टाइटल आप यहाँ पर लिखते हैं। देखिए एक तो फिर यहाँ पे आप अपने माइंड से लिख सकते हो, अगर नहीं लिखना चाहते तो नीचे उसने देखें आपको खुद एग्जाम्पल के तौर पर बता दिया कि आप ये वाली लाइन भी यहाँ पर मैंशन कर सकते हो, ठीक है, सर्टिफाइड ट्यूटर विद 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक, यहाँ पे ये लाइन आप ऐड कर सकते हो। अगर आप खुद से कोई अच्छा लिख सकते हो तो वो लिख दो, ठीक है। यहाँ पे आपने अपने बारे में लिखना है, यहाँ पे आपने अपनी जो टीचिंग आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे लिख, यहाँ पे आप कुछ आपने गोल्स मैंशन कर देने का, ठीक है, जिनको स्टूडेंट्स को आपने बताना है कि अगर आपको ये वाली प्रॉब्लम्स हैं तो आप मेरे से हेल्प ले सकते हो, कुछ उस तरह का आपने यहाँ पे लिख देना है। तो ये एक डेमो पैरा है जो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है तीनों जगह पे। आप यहाँ पे खुद इसके बारे में सारी चीज़ें जो है अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सिंपल मैं यहाँ से अब नेक्स्ट करता हूँ। तो यहाँ पे टेस्ट कैमरा करोगे आप, अभी मेरे जो है यहाँ पे मेरे पास कैमरा जो है अवेलेबल नहीं है, मैं सिंपल यहाँ से इसे नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पे वो कह रहा है यूट्यूब चैनल का लिंक दो, यहाँ पे मैं अपने ही चैनल का जो लिंक है वो यहाँ पे दे देता हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें डेमो चैनल भी ऐड कर सकते हो, कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है इतनी, ठीक है। आप अमेरिका को ही सिलेक्ट कर लो यहाँ पे और सिंपल यहाँ से इसे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर दो, ओके, आई अंडरस्टैंड। यहाँ पे आप देख सकते हो सक्सेसफुली आपकी प्रोफाइल जो है इस तरह क्रिएट हो जाती है। यहाँ पे ये चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये थैंक्स फॉर कंप्लीटिंग रजिस्ट्रेशन, ठीक है, वी रिसीव एप्लीकेशन कंट्री। तो ये तकरीबन 5 दिन के अंदर अंदर आपको दोबारा रिटर्न मेल आ जाएगी, ठीक है, जैसे ही आपकी जो वो सारी CV है, ठीक है, जो आपने डिटेल दी है उसे वो कन्फर्म करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करते हो तो वो आपको सेलेक्ट कर लेंगे और आपकी प्रोफाइल यहाँ पर लग जाएगी और बहुत अच्छी अर्निंग जो है आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पर आपको टोटली फॉरन से स्टूडेंट्स जो हैं वो मिलते हैं, ठीक है, तो आपकी अर्निंग जो है वो बहुत अच्छी होती है और ये वेबसाइट कम्प्लीटली आपको उनसे पेमेंट जो है वो लेके आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है। यहाँ पे पेमेंट्स की प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल नहीं होती, ठीक है। आपको ये वेबसाइट जो है ये खुद अपनी जिम्मेदारी के ऊपर आपकी पेमेंट्स जो है वो रिसीव करके आपको सेंड कर देती हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अच्छा सा कॉमेंट ज़रूर करें। बाकी जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। मैं इसी तरह की ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड बहुत अच्छी वीडियोज़ जो है वो आपके लिए लेके आता रहता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।